मैं बहुत ज्यादा क्रोधित हूँ, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्यों? ऐसे लोगों की फैमिली से मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को, उनकी पीढ़ी पीढ़ी चलती आ रही है मूवी बनाते हुए, फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हुए, क्या आप लोगों ने कभी 10-10 शादियां करी हैं? क्या आप लोगों ने अपनी बीवियों को किसी और के सामने परोसा है? क्या आपके घर में एक चाचा अपनी भतीजी के साथ, मामा अपनी भांजी के साथ, भाई अपनी बहन के साथ, मालिक अपने घर में काम करने वाली औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है? यही सब तुम सिखा रहे हो सोसाइटी को? यही सब तुम दिखा रहे हो अपनी फैमिली के थ्रू? बड़ा धिक्कार है, बड़ी शर्म आती है ऐसी पेरेंटिंग पर, ऐसे लोगों पे जो अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं, पर मेरे लिए तुम्हारे जैसे लोग कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं तुम जैसे लोगों की। कभी गांव की भोली भाली महिलाओं के बारे में सेक्सुअल मूवीज बनाई जाती हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग लोग उसमें दिखाया जाता है कि गांव की जो औरतें होती हैं वो कितनी कामुक होती हैं। कभी मामा के साथ भांजी, कभी चाचा के साथ भतीजी, कभी टीचर के साथ स्टूडेंट, कभी काम वाले के साथ उसका मालिक, कभी बाप के साथ बेटी। सिर्फ यही सिखाएगा तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों को? ये जो अश्लीलता है, जो गंदगी तुम्हें घोलनी है, जाके अपने घर में घोलो, अपनी फैमिली में घोलो। मेरे देश को, मेरी सोसाइटी को बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को। दुख तो इस बात है कि खुद बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्टार्स, ये लोग भी चुप्पी लगाते हैं क्योंकि इनका धंधा सिर्फ पैसे कमाना है। इन्हें देश के इमोशन से, देश की सेना से, देश की सेना की यूनिफॉर्म से कोई लेने देना नहीं है। इन्हें देशभक्ति सिर्फ नाटक करने के लिए और दिखाने के लिए आती है और पैसे कमाने के लिए आती है। रियल लाइफ में देशभक्ति से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। शायद यही कारण है कि अभी तक कोई भी बॉलीवुड से इस बात को लेकर नहीं उठा, किसी ने एकता कपूर को नहीं टोका कि तू किस टाइप की मूवीज बना रही है, किस टाइप की वेब सीरीज बना रही है। अभी हाल ही में जो है, इसकी कंपनी ने और उसे मिलकर एक ऐसी वेब सीरीज बनाई है जिसमें एक इंडियन आर्मी का कर्नल रैंक के ऑफिसर्स को दिखाया है। वो जाता है अपनी फील्ड में, पीछे से उसकी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया है किसी डॉक्टर के साथ। उस डॉक्टर को अपने घर पे बुलाती है अपने पति की एब्सेंस में और उसको अपने पति की यूनिफॉर्म पहनाती है जिसपे एक नेशनल एम्बलम छपा होता है, कर्नल का रैंक उस पर लगा होता है, आर्मी की यूनिफॉर्म होती है। सेक्सुअल एग्रेशन में उसकी यूनिफॉर्म को फाड़ती है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक इंडिकेशन दिया जाता है। कहां मर जाता है मेरे देश का मीडिया, मेरे देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड मीडिया, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, सब कुछ तुम लोगों की आंखों के सामने होता है। तुम लोगों की आंखों में इतनी शर्म नहीं है कि खुद तुम्हारे देश की सेना जो 24/7 अपनी जान हथेली पे लेके बॉर्डर्स पे अलग अलग एरियाज में बैठी रहती है, चाहे वो पैरामिलिट्रीज हो, आर्म फोर्सेज हो, पुलिस वाले हो, तुम लोगों की आंखों में किसी के लिए कोई शर्म नहीं है। तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे तुम जिस मर्जी लेवल तक गिर जाओ, तुम्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है। आज ये वीडियो में यूनिफॉर्म एक ऑफिशियल स्टेटस के साथ बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने कर्नल साहब से भी बात करी है। कर्नल अवस्थी को मैंने इस बारे में सूचना दी है, वो बहुत गुस्से में है। उसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल पी के पांडे साहब से मेरी बात हुई है, मेरिनेट के कैप्टन साहब के साथ, कुछ लेफ्टिनेंट्स के साथ इस बारे में डिस्कशन हुआ है, मेजर साहब से डिस्कशन हुआ है। हर कोई बहुत 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 डिसअपॉइंटेड है और डिसअपॉइंटेड होने वाली बात भी है। आप लोगों ने देश को मजाक समझा हुआ है क्या? फिल्म बनाने वाले, मूवी बनाने वालों, मैं चाहता हूँ सरकार को एक ऐसा स्ट्रिक्ट कानून बनाए, ऐसा लॉ बनाए कि ऐसे लोगों को देश का गद्दार करा देके सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए लंबे समय तक, ताकि भविष्य में आने वाले मूवी मेकर्स और डायरेक्टर्स, उनको पता चल जाए कि यूनिफॉर्म के साथ और नेशनल एम्बलम के साथ ये लोग अपनी मनमर्जी से कोई भी किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं कर सकते। कोई औकात नहीं लोगों की इस टाइप का कोई खिलवाड़ करने की। और मुझे ऑफिशियली मेरे कर्नल साहब ने बोला है कि संदीप अब जाओ और इसको जो है सोशल मीडिया पर भी एक्सपोज करो ताकि लोगों को पता चले किस तरीके से लोग सरेआम यूनिफॉर्म की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, नेशनल एम्बलम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं और देश चुपचाप देख रहा है, मजे ले रहा है, खामोश है। मीडिया सिस्टम, सेलिब्रिटी सब खामोश है। और मैं आज जाके FIR लॉन्च करने जा रहा हूं ऑफिशियली, ताकि ऐसे मूवी मेकर्स को पता चल जाए कि हिंदुस्तान बेवकूफ नहीं है। अगर इंडियन आर्म फोर्सेज देश के लिए सीने पे गोली खा सकती है तो तुम जैसे लोगों को सीधा करना भी जानती है लीगल लेवल पे। मैं अपने देश के यूथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी अश्लीलता फैलाने वाले लोगों का बहिष्कार करें और प्लीज इनका मोटिव हल हो जाएगा। ये लोगों का मोटिव ये होता है कि इस टाइप की कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें बनाए, मीडिया में वो चीजें जाएं और जब इनकी कंपनी का नाम लें तो लोग उनकी एप्स को डाउनलोड करें, इनके वीडियोज को देखें ताकि ये पैसा कमा सके। आपको कसम है भारत माता की, आपको पैदा करने वाली जननी की, आपके बच्चों की, आपके परिवार की। आप एकता कपूर से जुड़ी किसी भी ऐप को, किसी भी प्रोग्राम को नहीं देखोगे, इसका बहिष्कार करोगे ताकि इन लोगों को समझ में आ जाए देश इनके हिसाब से नहीं चलता, ये देश के हिसाब से और जनता के हिसाब से चलेंगे और जनता के टेस्ट के हिसाब से ही मूवी बनाएंगे। ये वार्निंग लिख देना कि इट्स अबव 18 और जिसको पसंद नहीं वो ना देखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों की औकात क्या है कि तुम देश की आर्मी के साथ इस टाइप का खिलवाड़ करोगे? तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से, तुम लोग जो हरकतें कर रहे हो, पड़ोसी देश अपने अपनी कंट्री में ऐसे वीडियोस का मजाक बना रहा है, इंडियन आर्मी का मजाक बना रहा है,
जिस तरीके से तुमने दिखाया कि इंडियन आर्मी ऑफिसर की पैंट उतार के पीछे स्लैप दे रही है, इंडियन आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म फाड़ के जो है सेक्सुअल एक्सपोजर कर रही है, क्या चाहते हो तुम लोग? कौन सी दुनिया से आए हो? हिंदुस्तानी तो लगते नहीं हो, कौन से देश के गद्दार हो? अपनी सिटीजनशिप वापस दे के देश को कहीं और चले जाओ ना। तुम्हें देश की आर्म फोर्सेस का अगर इतनी डिसरिस्पेक्ट करनी है तो पहले भी तुमने एक मूवी बनाई थी जिसमें तुमने एक लेडी कैप्टन को इस तरीके से दिखाया था कि वो सेक्सुअली उल्टी सीधी एडल्ट बातें कर रही है। ये कुछ सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिटेल्स में भी आपको बताऊंगा इसके बारे में। विंग कमीशन ऑफिसर आई संदीप चपराना, नेशनल कैडेट कॉर्प्स ऑफिसर एएनओ इंडियन आर्मी विंग, सभी हिंदुस्तान के कैडेट्स को यह आह्वान करता हूँ, यह अपील करता हूँ कि एकता कपूर से जुड़ी किसी भी टाइप की ऐप को, मूवीज को, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स का बहिष्कार करें। और देश की जनता को मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज ऐसे लोगों को आप बढ़ावा ना दें, ये लोग देश में अश्लीलता फैला रहे हैं। आए दिन रेप के केसेस क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे लोग यूथ में, देश में, जवानों के बीच ऐसी अश्लीलता घोल रहे हैं, सेक्सुअल वीडियोस बना रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, देश की युवा पीढ़ी को प्रोवोक कर रहे हैं कि ये भी जाएं और किसी के साथ सेक्स करें और रेप करें। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, बचें। मैं अपने एडवोकेट मिस्टर पुष्कर खटाना के साथ जो FIR लॉन्च करने जा रहा हूं, अगला अपडेट मैं आपको दूंगा कि पुलिस पहली बार में इस कार्रवाई पे क्या कहती है। उसके बाद जो भी अपडेट होगा मैं आपको टाइम टू टाइम सूचित करता रहूंगा। और थैंक्स करता हूं कि आपने इनिशिएटिव लिया। तो गाइज मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वायरल करें, ताकि सिस्टम में बैठे लोगों तक, कानून बना रहे लोगों तक जिन्होंने तक ये प्रावधान नहीं बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने चेंजेस नहीं करे हैं कि ऐसी काम करने वालों को कठोर से कठोर क्या सजा दी जा सके, जिसका ऐसे लोग फायदा उठाते हैं और मिसयूज करते हैं। टेक केयर फॉर सेल्फ, और इस लड़ाई में आपको साथ देना तन मन से, धन से नहीं, क्योंकि मैं किसे ना तो कभी पैसा मांगा है, ना मैं पैसा लेने में, ना अपने चैनल पे वीडियोस पे एडवर्टीजमेंट लगा के पैसे कमाने में बिलीव करता हूँ। बस अपने साथ बनाए रखें, यही मेरी ताकत होगी। थैंक यू सो मच। अपने देश के जवानों के सम्मान में और देश के आर्मी के सम्मान में इस वीडियो को वायरल करें। जय हिंद।